बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह वेक्टर टेम्पलेट जो है उसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं। freepik.com से हम जो वेक्टर टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं उसमें हम इमेज और टेक्स्ट को किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक फ्लायर ओपन है, इसमें हमने अब इमेज रिप्लेस करने हैं तो वो हम किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें क्लिपिंग मास्क जो है वो लगा हुआ था, तो उसमें हमने जस्ट जो इमेज उठाकर क्लिपिंग मास्क के अंदर रखे थे, वो खुद बहुत ही एडजस्ट हो गए। ये जो टेम्पलेट है इसमें क्लिपिंग मास्क नहीं बने हुए, तो इसमें हमने पहले क्लिपिंग मास्क बनाने हैं, उसके बाद फिर ये रिप्लेस जो इमेज जो है वो खुद बहुत ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जहाँ पर हमारे इमेज होने हैं वो किस जगह पर पड़े हुए हैं, वो लेयर कौन सी हैं। एक ये लेयर है सबसे पहले ग्रीन वाली जो है, उसके बाद ये दायरा है और दूसरा ये, यहाँ पे तीन इमेज हमारे जो है वो रिप्लेस होने हैं। हमने पहले सर्च करना है ये एरिया कहाँ पर है, ये वाली लेयर कहाँ है, इस ग्रुप को ओपन कर लेना है। ग्रुप के अंदर ये जो दो दायरे हैं, ये वाले दो ले रहे हैं, उसके बाद ये जो ऊपर वाला मेन इमेज है वो यहाँ पर आना है इस लेयर के अंदर। इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो इमेज रिप्लेस करना है उसको ओपन करने हैं, फाइल, उसके बाद प्लेस। तो प्लेस के बाद जो इमेज आपने रिप्लेस करना है वो इमेज ओपन कर लें, इस पर क्लिक करके यहाँ से प्लेस। अब इसको इस इमेज के एरिया के लिहाज से, जितना ग्रीन एरिया उस लिहाज से इमेज को हमने यहाँ पर, इसका ध्यान रखना है कि ये इमेज जो है वो पूरे ग्रीन एरिया को कवर कर रहा हो। अब ये वाला इमेज जो है हमने यहाँ पर रखा है, तो इसको हमने उठा कर इस लेयर के ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसके साथ यहाँ पर रख देना है। अब जो ग्रीन और इस लेयर को ग्रीन एरिया के नीचे रखना है, अब हमने सेलेक्ट करना है इन दोनों लेयर्स को। उसके लिए सिलेक्शन टूल, फिर ये ग्रीन एरिया, सॉरी ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है हमने, उसके बाद ये ग्रीन एरिया और दूसरा ये वाले लेयर। यहाँ से अगर आप सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पे इस राइट साइड पे आके इस लेयर पे क्लिक करें और फिर शिफ्ट दबा कर दूसरी लेयर पर, अब ये दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हमने यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, उसके बाद मेक या डायरेक्ट कंट्रोल प्लस 7 प्रेस कर दें तो उससे भी ये क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिपिंग मास्क बनाया तो आप देख सकते हैं कि इमेज हमारा इस स्लाइड के अंदर, इस एरिया के अंदर एडजस्ट हो गया है। अब अगर आप इमेज को मूव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर अपने लिहाज से जहाँ पर आपका मन फिट आ रहा है वहाँ तक इसको रख सकते हैं। तो ये पहला हो गया, अब इस चलते हैं दूसरे इमेज की तरह। ये वाला सर्कल और ये बड़ा सर्कल है, ये इस लेयर के अंदर हमने अब दूसरा इमेज है उसको उसी तरह फाइल प्लेस और इस इमेज के ऊपर हमने इसको, तो ये हमारी लेयर, इसको उठाकर इस लेयर के अंदर इसको हमने ग्रीन एरिया के नीचे रख, इस तरह हमने शिफ्ट के साथ दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक, तो ये हमारा दूसरा इमेज एडजस्ट हो गया। उसके बाद अब नीचे वाला जो है तीसरा, इसी तरह फाइल प्लेस और तीसरा इमेज है उसको हम ओपन कर लें। इस इमेज को उठाकर इस ग्रुप के अंदर और यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया इसके ऊपर है, इसी तरह शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है ये ग्रीन एरिया और उसके बाद नीचे वाली हमारी जो लेयर है, इन दोनों को सिलेक्ट करके उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक या डायरेक्ट कंट्रोल से प्लस 7 प्रेस करें तो उससे भी ये हमारा क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। तो इस तरह हम सिंपली जो है इमेज जो है वो, अगर क्लिपिंग मास्क पहले नहीं बना हुआ तो इस तरह हम उसको पहले क्लिपिंग मास्क बना के उसमें प्लेस कर सकते हैं। अगर पहले से क्लिपिंग मास्क बना हुआ है तो फिर सिंपली हमने उठा के अपना इमेज है उसको उस ग्रुप के क्लिपिंग मास्क के अंदर रखना है तो वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो अब अगर हमने टेक्स्ट को एडिट करना है तो इसके लिए ये टाइप टूल सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट के ऊपर कहीं के पर भी क्लिक कर देना है, तो इसके बाद ये एडिटेबल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इसका कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी कलर चेंज करना है स्वाचेस के अंदर आके उस कलर पे क्लिक करें, वो कलर जो है हमारा चेंज हो जाएगा।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।